हेलो फ्रेंड्स, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, हम अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र की क्लासेस ले रहे हैं। अभी तक हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। जी हां साथियों, सहायक शिक्षक की 4 वीडियो हमने अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र पर हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है। ये हमारा आज का जो सेशन है 5वां वीडियो है, जिसमें हम यूनिट 5 का अध्ययन करने वाले हैं साथियों, ठीक है। यदि आप उन 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का प्लेलिस्ट बना हुआ है। कंप्यूटर की हमने पूरी क्लास ले रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर का भी वीडियो देख सकते हैं। गणित का शाम को आपको क्लास मिल जाता है 7 बजे, शाम 7 बजे गणित की क्लास चल रही है और प्रातः 8 बजे मैं अंग्रेजी की क्लास लेता हूं। तो आज की जो सेशन है दोस्तों, हम सीधे शुरू करते हैं, वीडियो पर आते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको सहायक शिक्षक की पूरी क्लासेस, पूरी तैयारी निशुल्क प्राप्त हो सके। तो चलिए साथियों, आज की हम वीडियो यही शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो यूनिट है इकाई 5 है, ठीक है। इकाई 5 कहता क्या है, हम टॉपिक की बात करें साथियों, तो चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो चैलेंज, देखिए यहां पर ये जो टॉपिक है, पहले तो आप उसको समझिए हिंदी में, ठीक है। तो एक चैलेंज, ठीक है, टीचिंग लैंग्वेज अर्थात भाषा को सिखाना एक चैलेंज की तरह है। कहां पर? डाइवर्स क्लासरूम। अब डाइवर्स क्लासरूम का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, यहां पर डाइवर्स क्लासरूम का अर्थ है जहां पर सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, ठीक है। समावेशी कक्षा, डाइवर्स क्लासरूम अर्थात समावेशी कक्षा, जिसमें सभी बच्चे आते हैं। एक ऐसी विविध कक्षा में भाषा सिखाने की जो चुनौतियां हैं, भाषा की कठिनाई अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के जब बालक किसी कक्षा में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक शिक्षक को क्या क्या कठिनाइयां आती है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं, इस यूनिट में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है साथियों। अब आपने ये चीजें तो समझ लिया, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले डाइवर्स क्लासरूम की जो डेफिनेशन है उसको समझिए, है ना। तो क्या है, देखिए हिंदी को पहले आप समझे। डाइवर्स क्लासरूम का अर्थ जहां पर हर तरह के बच्चे होते हैं, इसमें अक्षमता के बहुत सारे स्तर आते हैं, इसीलिए यह कक्षा शिक्षकों के लिए हमेशा चैलेंजेस होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, ठीक है साथियों। अभी देखिए, डाइवर्स क्लासरूम इज ऑलवेज ए चैलेंजिंग फॉर टीचर्स। जो समावेशी कक्षा है, डाइवर्स क्लासरूम है, शिक्षकों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन आप अप्रोच आप न्यू सिचुएशन इन देयर एवरीडे लाइफ, ठीक है। टीचर शुड बी वेल प्रिपेयर टू फेस विथ ऑल चैलेंज। देखिए, शिक्षक को हमेशा इन चैलेंजों से, इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो कक्षा है वहां पर शिक्षक के सामने अनेकों जो कंडीशन है आ जाती है साथियों, ठीक है। तो पहले से एक टीचर तैयार रहे, ऐसे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, बेटर एजुकेशन मिल सके, इसके लिए कुछ बिंदुए हैं जो ध्यान में रखना है। अर्थात जो डाइवर्स क्लासरूम है, समावेशी कक्षा है जहां पर सभी वर्गों के लोग हैं, वहां पर बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए कुछ बिंदु है दोस्तों, उस बिंदु पर आप जरा फोकस करेंगे, ठीक है। अब क्या क्या है वो बिंदुए? तो प्रत्येक बच्चे को, टीचर को इंडिविजुअल रूप से देखकर बच्चे की वीकनेस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि शिक्षा का लाभ प्रत्येक बच्चों को मिल सके। कहने से क्या तात्पर्य है साथियों? इंडिविजुअल अर्थात व्यक्तिगत। देखिए, मान लीजिए कि मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे क्लासरूम में 30 बच्चे हैं। अब यदि मैं इन 30 बच्चों में से
उन्हीं बच्चों पर फोकस करूं जिसका दिमाग अच्छा है, जो होशियार है। तो ये एक शिक्षक की गलत आदत है साथियों, ठीक है। शिक्षक का हमेशा यही कार्य होना चाहिए कि वो प्रत्येक बच्चे को समान दृष्टिकोण से देखे। प्रत्येक बच्चा क्या होता है आप सभी जानते हैं, अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग होता है, ठीक है। उसमें कुछ न कुछ अलग विशेषता होती है। प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि किसी बच्चे में कुछ और कमी होती है, किसी बच्चे में कुछ और कमी होती है, किसी की कुछ और कमी को दूर करना होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बेहद जरूरी है ताकि प्रत्येक बच्चे को इसका जो लाभ है मिल सके, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, एक टीचर को डिफरेंट वैरायटी के टीचिंग मेथड का प्रयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये बच्चा जिस विधि से, ठीक है, जिस विधि से मैं पढ़ा रहा हूं उस विधि से नहीं सीख पा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस विधि के बजाय कुछ एक अन्य जो मेथड, ठीक है, कुछ जो है अन्य विधि का प्रयोग करना चाहिए। कोशिश करें, ठीक है, अगर बालक इस विधि से नहीं सीख रहा है तो बालक को दूसरे विधि से सिखाने का प्रयास करें, उससे नहीं सीख रहा है तो किसी अन्य तरीके से सिखाने का प्रयास करें, ठीक है। अर्थात जो शिक्षण विधि है उसमें बदलाव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। शिक्षण विधि में चेंजेस बहुत जरूरी है। यदि बालक किसी एक मेथड से नहीं सीख पा रहा है तो उसको किसी अदर मेथड से क्या करना है, सिखाना है, ठीक है साथियों। तीसरी बिंदु इसमें निकल कर आती है, उसको भी आप देखें, तो जो असमावेशी शिक्षा कैसे देना है उन बच्चों को, तो उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो तीसरी बिंदु है, ऐसे ओपन क्लासरूम बनाना चाहिए कि प्रत्येक स्टूडेंट अपने विचारों और अनुभवों को रख सके। देखिए दोस्तों, एज ए टीचर आप एक शिक्षक होने के नाते, या जब भी आप शिक्षक बनेंगे साथियों, ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दें, सामने आकर अपनी आइडियाज, अपने विचारों को, उसके मन में क्या चीजें चल रही है वे वहां पर सामने आकर प्रस्तुत कर सके, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल उनको अवसर दें, बालकों को अवसर दें। इसमें होता क्या है, कई बच्चे डब्बू टाइप के हो जाते हैं, अपनी बात को बोल नहीं पाते, कक्षा में डरते हैं, बिल्कुल किसी से बात नहीं करते। मेरे साथ स्वयं घटित हो रहा है, मैं ये चीजें मैं जानता हूं। पहली कक्षा में ऐसे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो बिल्कुल, उसको आप लिख बोल रहे हो तो भी वो लिख नहीं पा रहा है। ऐसे मेरे यहाँ स्वयं बच्चे हैं साथियों, मैं खुद उन चीजों का एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं खुद उन चीजों का अनुभव कर रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल आप बच्चों को हमेशा सामने आने का अवसर दें, कुछ बोलने का अवसर दें, और उनकी जो भी चीजें वो बोल रही है, ठीक है, जो भी चीजें वो बोल रही है, उनके जो भी चीजें वो बोल रहे हैं उनको क्या है, प्रोत्साहित करें, ठीक है। उनको न डराएं न धमकाएं, बल्कि कोशिश करें कि आप उनको प्रोत्साहित कर सकें, ठीक है। तो ये चीजें बेहद जरूरी है। अभी देखिए, समावेशी शिक्षा में डिफिकल्टीज इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। अब समावेशी कक्षा में भाषा सिखाने वक्त, ठीक है, भाषा सिखा रहे हैं यदि हम समावेशी कक्षा में, तो क्या क्या जो कंडीशन है, कठिनाइयां हैं, आ सकती है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है समावेशी कक्षा में ऐसे बच्चों को भाषा सिखाने के लिए। तो इन पर भी आप फोकस करें, इनके लिए भी कुछ बिंदुए हैं जो हमने रखने का जो प्रयास किया हुआ है नोट्स में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है, लेक अ प्रॉपर एम, ठीक है। अर्थात एक प्रॉपर उद्देश्य की क्या है, कमी है, ठीक है। टीचर डू नॉट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द मेन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए, एक शिक्षक को भी यह पता नहीं होता कि भाषा सिखाने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ठीक है। शिक्षक को पता नहीं होता, शिक्षक ये एग्जैक्ट में समझ नहीं पाते कि भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या है। इंग्लिश हैज टू टॉट प्रिंसिपली एज ए लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन रेदर देन लिटरेरी लैंग्वेज। देख, हमारे देश में टीचर को मेन एम ही नहीं पता,
अर्थात इंग्लिश भाषा क्यों सिखाएं, इनके सिखाने के उद्देश्य क्या है, यही चीजें जब एक शिक्षक को पता नहीं है तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी कठिनाई है भाषा सिखाने में। ठीक है साथियों, अगली जो पॉइंट्स हैं सेकेंड नंबर का, देखिए ओवर क्राउडेड क्लास। ठीक है, ओवर क्राउडेड क्लास से तात्पर्य क्या है, हमारे जो देश में, ठीक है, कक्षा में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, आप देखे होंगे साथियों। ठीक है, एक छोटी सी कमरा जिसमें पूरे बच्चे जो ठूस ठूस के भर दिए जाते हैं, ठीक है, बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक शिक्षक को हल्ला शांत करवाने में ही वक्त निकल जाता है। यदि आप भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे, यदि आप में से कोई भी साथी गवर्नमेंट स्कूल में भी होंगे तो भी आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवर क्राउडेड क्लास यूजुअली रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच द लैंग्वेज इफेक्टिव। देखिए, एक बहुत ज्यादा स्टूडेंट वाली जो कक्षा रहेगी तब भी क्या है, प्रभावी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ेगा, उनका जो प्रभाव है पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें भी निकल कर सामने आती है, अर्थात हमारे जो देश में, हमारे राज्य में बच्चों की संख्या अधिक है लेकिन जो टीचर हैं, ठीक है, जो टीचर्स हैं वे कम हैं, स्कूलों में शिक्षक की बहुत ज्यादा कमी है। जैसा कि मैंने कल परसों ही वीडियो बनाया था साथियों, आपने वो वीडियो देखा होगा, दैनिक भास्कर का जो न्यूज है, न्यूज पेपर है, जिसमें 1,33,000 से भी अधिक शिक्षकों के पद हमारे छत्तीसगढ़ में खाली है। बच्चे ज्यादा हो गए हैं लेकिन शिक्षक की संख्या कम हो गई है, तो ये चीजें हैं, है ना। अभी तीसरी पॉइंट आती है, प्लेस आप, देखिए प्लेस आप इंग्लिश इन स्कूल। अब जो है स्कूल में जो अंग्रेजी का स्थान है ना, किस तरीके से स्थान है अंग्रेजी का, ये चीजें भी मायने रखती है। हमारे इंडिया में इंग्लिश का स्थान अच्छा नहीं है, हिंदी माध्यम बच्चों के लिए इंग्लिश इसलिए अच्छी नहीं। देखिए, आप किसी भी इंग्लिश मीडियम में चले जाएं साथियों, आजकल आप सभी जान रहे हैं गांव गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है, लेकिन उनमें से आप गांव गांव में जो स्कूल खुला है आप जाएंगे, जाके पता करेंगे और पता करके देखेंगे भी कि उनमें, अगर मान लीजिए किसी गांव के इंग्लिश मीडियम स्कूल में यदि 10 स्टाफ कार्यरत है, उनमें से एक भी स्टाफ आपको ऐसे नहीं मिलेगा जिसको इंग्लिश आती होगी, उसको इंग्लिश नहीं आती फिर भी वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, पढ़ा रही है, जो भी है, ठीक है ना। इंग्लिश इस कहना चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं वो टीचर, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आता, वो इंग्लिश में बोल ही नहीं सकता फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो कहां से स्किल आएगी बालकों में। बालक तब तक इंग्लिश नहीं सीख सकता जब तक शिक्षक इंग्लिश नहीं जानेगा। ठीक है, तो यह भी सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ी कठिनाई है हमारे छत्तीसगढ़ की, कि गांव गांव में जो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खुल रहे हैं और उनमें जो टीचर आते हैं बिल्कुल अनट्रेंड है। दोस्तों, मैं खुद जान रहा हूं, बिल्कुल अप्रशिक्षित शिक्षक, मतलब आप देखेंगे 50% से ज्यादा स्कूलों में न तो बीएड डीएड है साथियों, न उनको अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है, फिर भी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर बन गए हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है कि बच्चे क्या है, इंग्लिश में पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला है चौथा पॉइंट, देखिए लेक आप गुड टेक्स्ट बुक। तो द मेन डिफेक्ट ऑफ द बुक इज दैट ऑफ एक्यूरेसी, द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश आर नीडेड टू द हाई स्टैंडर्ड। देखिए, सबसे बड़ी कमी, ये चौथा पॉइंट निकल कर आ रहा है, टेक्स्ट बुक में भी सबसे बड़ी कमी है, अच्छी जो पाठ्य पुस्तक का अभाव है ना। आप पास्ट जो हमारे पाठ्य पुस्तक देखेंगे बहुत सारी उसमें इरर्स रहती है, तो यहां पर क्या क्या कमी है, या हम कहें साथियों एक अच्छे पाठ्य पुस्तक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, जो पाठ्य पुस्तक आती है सुटेबल मेथड नहीं है, किस विधि से एक बालक को शिक्षा देना है वो विधि के बारे में बताया ही नहीं जाता, अच्छी पेंटिंग नहीं है। देखिए, जब हम बात करते हैं साथियों प्राइमरी लेवल की, ठीक है, तो उसमें
जो प्रिंट है, जो फोटो है, जो चित्र है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, प्राथमिक कक्षा में पुस्तक अधिक से अधिक चित्रात्मक हो, लिखित रूप में बहुत कम होना चाहिए। तो इस चीज की भी कमी है, ये भी बहुत बड़ी वजह बनती है साथियों। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 है लेक आप मेथड। अब क्या है, विधियों की कमी। तो देखिए, अनदर सीरियस डिफेक्ट इन द टीचिंग इज द टीचर्स आर स्टिल यूजिंग द ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए सबसे बड़ी जो कमी है वह क्या है, विधियों की कमी। क्योंकि जो शिक्षक कार्यरत है साथियों, वे पुराने मेथड का ही उपयोग करके बालकों को पढ़ा रहे हैं, नवाचार का बिल्कुल अभाव है, इनोवेशन करना नहीं चाहते, पुरानी विधियों को वही घिसी पिटी विधियों का उपयोग कर करके पढ़ा रहे हैं। यह भी एक बड़ी वजह है जिसके वजह से अंग्रेजी भाषा बालक सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, सीखने में कठिनाइयां आ रही है। ठीक है साथियों, अगले बिंदु पर आए तो देखिए, अभी हमने पांचवा देखा, छठवां बिंदु क्या है, लेक आप स्टडी मटेरियल। अब देखिए स्टडी मटेरियल की भी बहुत ज्यादा कमी है। कैसे, लेक आप स्टडी मटेरियल्स इज आल्सो ए प्रॉब्लम फ्रॉम लैंग्वेज टीचिंग इन ए, देखिए डाइवर्स क्लासरूम, समावेशी कक्षा में सबसे बड़ी समस्या स्टडी मटेरियल है। देखो कौन से स्तर का वो बालक है उसके हिसाब से उनका जो स्टडी मटेरियल है वो होना चाहिए। मान लीजिए ऐसे बालक जिनका आंख से थोड़ा कमजोर है, तो उनके लिए स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए, उनका जो फॉन्ट साइज है ना, उनका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा होना चाहिए ताकि उनको साफ साफ दिख सके। समझ रहे हैं साथियों, जो साथी किसी और समस्या में है, जो भी स्टूडेंट, उसको उसके आधार पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो। तो इस चीज की भी कमी है, कठिनाई, ये भी मेन वजह है। ठीक है, अब देखिए इसमें आता है सातवां पॉइंट, इफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम। देखिए परीक्षा प्रणाली में भी त्रुटियां हैं। हमारे देश में जो कठिनाई आती है लैंग्वेज में, तो उसकी सबसे बड़ी जो कारण है, सबसे बड़ा जो रीजन है वह क्या है, परीक्षा प्रणाली का भी कमजोर होना। कैसे, वन ऑफ द मेन डिफेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंग्लिश दैट इट डज नॉट टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश एंड देयर एबिलिटी टू स्पीक इट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वन ऑफ द मेन, देखिए सबसे जो मेन डिफेक्ट है एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली की। ठीक है, इट डज नॉट टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी। देखिए इसमें क्या है, बच्चे की योग्यता का आकलन नहीं किया जाता। ठीक है, बच्चे को क्या करते हैं, सिर्फ अंक या ग्रेड देके उसको पास कर दिया जाता है। वास्तव में एक शिक्षक या ये जो एजुकेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, कभी ये नहीं देखता साथियों कि वास्तव में बच्चे उस टॉपिक को, उस बिंदु को सीख पाया है, या उस कहना चाहिए कौशल को विकसित कर पाया है, जिस कौशल को मैं सिखाने वाला हूं, या जिस कौशल को एक बालक को सीखना चाहिए, क्या उनमें वह स्किल आया है। मूल्यांकन प्रणाली ये चीजें देखता ही नहीं है। मूल्यांकन प्रणाली देखता क्या है, एग्जामिनेशन सिस्टम देखता क्या है साथियों, तो एग्जामिनेशन सिस्टम सिर्फ यही देखता है कि उस लड़के ने 100 नंबर का प्रश्न था उसमें से पासिंग मार्क लाया या नहीं। ये चीजें कतई नहीं देखता कि वो बालक कैसे लाया, क्या उसमें वास्तव में वो स्किल डेवलप हुई। तो ये भी बहुत बड़ी जो एरर, बहुत बड़ी कठिनाई है एग्जामिनेशन सिस्टम की। ठीक है, आठवां पॉइंट देखिए, लेक ऑफ इफेक्टिव टीचर। टीचर भी इफेक्टिव है, पुराने पुराने मेथड का उपयोग कर रहे हैं, कुछ नवाचार विधियों का उपयोग नहीं करते, टीचर की कमी होना, ये सभी चीजें भी दोस्तों आपका भाषा शिक्षण में कठिनाइयां उत्पन्न करती है। लेक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन, देखिए टीचर को जो है प्रशिक्षित नहीं है, है ना, हमारे देश में आधा से जो ज्यादा शिक्षक है अप्रशिक्षित है। अप्रशिक्षित कहने से क्या तात्पर्य है साथियों, जिनके पास बीएड या डीएड की योग्यता नहीं है, है ना,
जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है, अर्थात अप्रशिक्षित है, जिन्होंने बीएड डीएड नहीं किया है, वही लोग आपको जितने प्राइवेट स्कूल है साथियों वहां पर मिलेंगे। अप्रशिक्षित शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं जो खुद नहीं जानते कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने के तौर तरीके, वो स्कूल में टीचर हैं। तो ये भी सबसे बड़ी कमी है जिसके वजह से बच्चे सही तरीके से लैंग्वेज नहीं सीख पाते। ठीक है, इसमें देखिए दसवां पॉइंट क्या है, दसवां पॉइंट को भी आप समझें, तो लेक आप चाइल्ड इंटरेस्ट इन एप्टीट्यूड, बच्चों की रुचि में भी कमी। कैसे रुचि में कमी साथियों? आप सभी साथी सुने होंगे कि अक्सर बोलने को सुनते हैं, देखते हैं कि इंग्लिश बहुत कठिन विषय होता है ना। अब ये जो एक मानसिकता है, एक रूढ़िवादी सोच है, बालकों के दिमाग में बचपन से ही डाल देते हैं कि बेटा इंग्लिश बहुत कमजोर विषय है। अब बालक एक छोटे उम्र से बढ़ते बढ़ते जा रहा है, उसके दिमाग में यही निगेटिविटी आ गई है कि इंग्लिश कठिन विषय है, इंग्लिश कठिन है, इंग्लिश कठिन है। वो दसवीं आ गया, वो दसवीं में ले देकर के उसमें 33 नंबर लाया, फिर 11वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, इसी तरीके से ले देकर के पास होके अंग्रेजी विषय में वो कॉलेज कर लिया। उसके मन में शुरू से भर दिया गया है कि अंग्रेजी कठिन विषय है। अब वो पूरे टाइम तक उनको कठिन लगने लगा, लगने एक मानसिकता बन गई है ना। तो ये क्या है, ये इसी वजह से क्या है, उस बालक में उस रुचि है वो घटती चली गई। बचपन में उनको बता दिया गया कि बेटा अंग्रेजी कठिन विषय है, अब उनके मन में उस विषय के प्रति रुचि कम होती गई, उस विषय से वो दूर होता गया। ठीक है, उनकी इच्छा ही नहीं होती उस विषय को पढ़ने की। तो ये भी सबसे बड़ी वजह है कि बच्चे जो है भाषा को सीखने में कठिनाई का जो अनुभव है करते हैं। 11वां पॉइंट देखिए, लेस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य मतलब जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे टीवी, टीवी में दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, मॉनिटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आते हैं। अब क्या है, तो इसकी भी कमी है विद्यालयों में। देखना जितने गवर्नमेंट विद्यालय है वहां पर बहुत ही कम जगह ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको ऐसी सुविधा उपलब्ध हो। डिजिटल बोर्ड की सुविधा की बात करें, या फिर हम कंप्यूटर की बात करें, या कहना चाहिए एलसीडी एलईडी टीवी की बात करें, ठीक है, वहां से भी हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन इनका अभाव है जिसके वजह से बालक नहीं सीख पाते। मान लो कि हमारे विद्यालय में यदि एलईडी टीवी होता, ठीक है, एलईडी टीवी होता, तो बच्चों को हम प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे का जो टाइम है उसको इंग्लिश का कार्टून दिखाते, इंग्लिश में कुछ भी गाना सुनाते, हर चीज उनको माहौल मिलता अंग्रेजी का, तो बालक धीरे धीरे इंग्लिश सीखने लगता है ना। लेकिन उस चीज की कमी हो जा रही है, तो बालक क्या है, अंग्रेजी में कठिनाई का अनुभव करने लगता है। ठीक है साथियों, 12वां पॉइंट निकल कर आ रही है, देखिए इट इज नॉट देयर मदर टंग। देखिए अंग्रेज सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अंग्रेजी जो है उसकी मातृभाषा नहीं है, यही मेन वजह है कि वो सीख नहीं पाता और उसमें कठिनाई और डर का अनुभव करने लगता है। छत्तीसगढ़ी हमारी मातृभाषा है, हम उसको बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। एक चीज मैं और आप बताऊं दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में हम अंग्रेजी के प्रति कमजोर हैं, उनके पीछे वजह क्या है। देखिए इस चीजों को मैं स्वयं गौर किया हूं, पता नहीं है इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये मेरी एक चिंतन है। अक्सर आप सोचेंगे, देखेंगे, गौर करेंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ते होंगे, तो जिस जिस जगह पर विदेशियों का आगमन हुआ है वहां की जो सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है, वहां की जो सेकेंड लैंग्वेज है क्या बना है, अंग्रेजी बना है। आप जाकर देख लीजिए कोलकाता, आप जाकर देख लीजिए तमिलनाडु सहित जहां भी आप जाएंगे, वहां की आप देखेंगे जो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, वहां की जो भाषा है,
ठीक है। उसके बाद तुरंत उसकी जो सेकंड लैंग्वेज क्या हो जाती है साथियों, इंग्लिश हो जाती है, क्योंकि वहां विदेशियों ने क्या किया था, वहां उतरे थे विदेशी जो है बिजनेस करने के लिए आए रहे हैं या जो भी वजह होगा, है ना। तो यही मेन वजह है कि वहां का जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रहा। लेकिन कभी आप सुने हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई विदेशी पर्यटक आए थे? नहीं। इसी वजह से हमारे राज्य में जो फर्स्ट लैंग्वेज है वह सीजी रहा और जो सेकंड है वह हिंदी रहा, और हम थर्ड लैंग्वेज की ओर ध्यान ही नहीं देते। इंसान दो भाषा सीखता है, एक तो वो अपनी मातृभाषा जो अपने परिवार से सीखता है, और सेकंड लैंग्वेज वो विद्यालय में सीखता है ना। और हमें वो चीजें मिला नहीं, हमने फर्स्ट लैंग्वेज माता पिता से सीजी सीख लिया, सेकंड लैंग्वेज विद्यालय में हमने हिंदी सीख लिया, तो अंग्रेजी का हमारा कोसों तक कोई नाता नहीं। ये सबसे बड़ी वजह है। जबकि आप दक्षिण इलाकों में जाएंगे साथियों, तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज जैसे तमिलनाडु की बात करूं मैं, तो वहां का तमिल है, तमिल जो लैंग्वेज है जो वहां की मातृभाषा है, पहली लैंग्वेज, और वहां सेकंड लैंग्वेज में हिंदी नहीं आता बल्कि इंग्लिश आता है। इसीलिए वहां का एक रिक्शा चालक भी अंग्रेजी बोलता है। जैसे साथियों हमारे छत्तीसगढ़ में यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी भी बोल लेगा तो बहुत ही पढ़ा लिखा कहलाएगा, आप जानते हैं, भले ही वह पांचवी पास हो, उधर से रह के आया हो, लेकिन अगर उसको अंग्रेजी आ तो गया, मतलब बहुत ही होशियार है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। इंग्लिश बहुत जरूरी है साथियों, आने वाले समय में भी आप इंग्लिश की महत्ता को समझेंगे। उसके बाद की जो सेशन देखिए, ये जो अगला टॉपिक है लर्निंग स्टाइल इन ए डाइवर्स, अब समावेशी कक्षा में सीखने के तरीके, अब किन किन तरीकों से एक बालक समावेशी कक्षा में सीख सकता है, तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स हमने रखा हुआ है, क्या क्या लर्निंग स्टाइल है, सीखने के तरीके हैं। देखिए एक पॉइंट है, ऑडिटरी लर्नर्स प्रिफर टू रिसीव आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन बाई हियरिंग देम, द स्टूडेंट्स मे स्ट्रगल विथ रीडिंग एंड राइटिंग। देखिए जिन बच्चों को हियर मतलब होता है सुनना, ठीक है, तो जिन बच्चों को हियरिंग अर्थात सुनने में समस्या होती है, तो उन्हें क्या किया जाता है दोस्तों? नहीं, देखिए ऑडिटरी लर्निंग लर्नर प्रिफर टू रिसीव आइडियाज इंफॉर्मेशन बाई हियरिंग देम। देखिए जिन बच्चों को लिखने में समस्या हो रही है, पढ़ने लिखने में, है ना, उन्हें सुनकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। अर्थात जिस बालकों को हम ब्लैक बोर्ड में लिखवा रहे हैं उसको देखने में परेशानी हो रही है ना, तो उनको क्या है, सुनने का अभ्यास करवाया जाता है, उनको सुनने के लिए कहा जाता है, उनको सुन करके पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। विजुअल लर्नर, देखिए कुछ बच्चे जिनको चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, कई बच्चे ऐसे भी आपको देखेंगे दिखेंगे लिखा हुआ से ज्यादा जो चित्र के रूप में रहता है, चाहे वो ग्राफ में हो, चित्र में हो, मैप में हो, उनके माध्यम से हो, तो उस ऐसे बच्चे को उन्हीं के माध्यम से हमें सिखाना चाहिए। ये सब तौर तरीके हैं, सिखाने के तरीके हैं जो समावेशी कक्षा में एक बालक को सिखाना चाहिए। किनेस्थेटिक लर्नर, तो ये क्या होता है किनेस्थेटिक लर्नर? तो जिन बच्चों को टच से सिखाया जाता है, देखिए किनेस्थेटिक लर्नर क्या है, ऐसे बच्चे जिनको टच करके सिखाया जाता है, ऐसे बच्चे को प्रत्यक्ष ज्ञान से सिखाया जाता है, अर्थात दिखा करके सिखाया जाता है, उसे छू करके देखता है बालक, तो वही क्या है किनेस्थेटिक लर्नर कहलाता है, ठीक है साथियों। उसके बाद हम आते हैं अगले जो बिंदु है उस पर, लर्निंग डिसेबिलिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी टॉपिक यही है, लर्निंग डिसेबिलिटीज अर्थात सीखने की अक्षमता। अब सीखने की अक्षमता क्या क्या है, उन बिंदुओं पर हम आए तो सबसे पहले जो निकल कर आता है डिसलेक्सिया,
तो आप सभी जान रहे हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। अब डिसलेक्सिया क्या है? डिसएबिलिटी विथ रीडिंग, रीड अर्थात पढ़ना। डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों? पढ़ने की जो कठिनाई जब एक बालक में आती है तो वह कौन से कहना की समस्या से ग्रसित रहता है? तो वह डिसलेक्सिया नामक जो समस्या है उससे ग्रसित रहता है। आ रहा समझ में? अब डिसग्राफिया, देखिए डिसलेक्सिया को आप रट लें, उसके बाद आएंगे डिसग्राफिया। देखिए ग्राफ, ये जो एक शब्द निकल कर आता है ग्राफ, ग्राफ मतलब जब आप ग्राफ बनाते हैं वो चित्र की तरह बनता है ना। तो चित्र की तरह जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या है? ग्राफ। तो अब देखिए ग्राफ बनाना मतलब आप लिख रहे हो, कुछ भी चीजें बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, आप लिख रहे हो। तो आप इसको तुरंत दिमाग में बैठा लें, लिखने की जो कठिनाई अर्थात लिखना किस में होता है? ग्राफ वगैरह में। तो डिसग्राफिया, ठीक है, लिखने की कठिनाई को क्या बोलेंगे? डिसग्राफिया अर्थात डिसएबिलिटी विथ राइटिंग, राइटिंग मतलब लेखन की जो कठिनाई है वो किस में आएगा? डिसग्राफिया। ग्राफ मतलब लिखना, बस उसी को जोड़ के आप इसको रट सकते हो। थर्ड पॉइंट डिसकैलकुलिया। अब देखिए कैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन होता किस में है? गणित में है। तो अब गणित की कठिनाई, मैथमेटिक्स की डिसएबिलिटी, वो किस में आएगा? तो डिसकैलकुलिया अर्थात जिस बालक में गणितीय गणना करने की जो कठिनाई होती है वह डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आता है। चौथा बिंदु है डिसग्राफिया। अब डिसग्राफिया होता क्या है? तो देखिए डिसएबिलिटी आप मोटर स्किल। अब डिसग्राफिया क्या है? शारीरिक कौशल संबंधी जब विकार होते हैं, जैसे बच्चे सही तरीके से चल नहीं पाते, ठीक है, अच्छे से हाथ पैर को सही उपयोग कर नहीं पाते, ये सभी क्या है? डिसग्राफिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है साथियों पांचवा जो पॉइंट डिसमोर्फिया। क्या आता है पांचवा पॉइंट? डिसमोर्फिया। अब ये डिसमोर्फिया क्या होता है? देखिए मोर, मोर मतलब क्या होता है छत्तीसगढ़, आप उसको हिंदी में समझे, मोर मतलब मयूर, सभी साथी जान रहे हैं। अब देखो यदि एक बालक को भ्रम हो जाए कि ये मयूर है या कौवा है ना, अर्थात जब उसको भ्रम की स्थिति, मोर मतलब ये मयूर है, मोर है या फिर कोयल है या कौवा है, जब उसको भ्रम हो जाए तो वहीं पर क्या होता है? भ्रम वाली स्थिति जब आती है बालक में वो क्या है? डिसमोर्फिया की समस्या से ग्रसित होता है। तो इस तरह से ये पांच ही जो अक्षमता है, लर्निंग डिसएबिलिटीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट को ही हमने रखा हुआ है साथियों। इनको आप अच्छे से रट लें, अच्छे से तैयारी कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो ये जो चैप्टर है लर्निंग डिसएबिलिटी के बाद में एंड हो गया साथियों, ठीक है। तो ये पांचवा जो यूनिट है, पांचवा जो टॉपिक है, आप इसको अच्छे से एक बार और पढ़ सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। हमने कोशिश किया है साथियों कि हम सरल से सरल तरीके से पढ़ा सकें। हम भी आपकी तरह छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से हैं, हम भी जानते हैं साथियों, क्योंकि हमारे लिए भी इंग्लिश बहुत कठिन है। मैं बता रहा हूं, मैं जो इंग्लिश के जो हिंदी में बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है आप सभी साथियों के लिए, इसीलिए मैंने इस विषय में चाहता तो जितना मेहनत मैं अन्य विषयों में किया है उससे ज्यादा मेहनत मैंने इंग्लिश में किया है। मैं मेहनत के हिसाब से अगर मैं चाहता इस नोट्स को सिर्फ मैं 50 रुपए में बेचता हूं, मैं चाहता तो इसको ज्यादा प्राइस में भी मैं इसको परचेस करवा सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य अंग्रेजी में सिर्फ मैं 50 रुपए सबसे कम इसीलिए रखा हूं साथियों, सबसे कम हमने फीस अंग्रेजी में इसीलिए रखा है ताकि हर वो स्टूडेंट परचेस कर सके। और यदि आप परचेस नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा चैनल तो है ही, आप बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से पूरा लाभ ले सकते हैं। निःशुल्क क्लासेस हैं, 100% तैयारी हम करवाएंगे। बस हम हमेशा आपसे यही क्षमा चाहेंगे साथियों, यदि कुछ भी गलती होगी तो आप जरूर उसको नज़रअंदाज करेंगे। आपकी पॉजिटिव कमेंट ही हमें उत्साह देता है, आपकी पॉजिटिव कमेंट ही हमें एनर्जी प्रदान करता है और हम
फिर से प्रातः काल एक नए उत्साह के साथ नए वीडियो के लिए जुट जाते हैं। आज के सेशन में बस यही तक। कल की वीडियो में फिर एक नए यूनिट के साथ, फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। जय हिंद।